अस्सलामुअलैकुम। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के उर्दू के कहकशा की किताब से चैप्टर नंबर 32, जिसका नाम है शिकस्त जिंदा का ख्वाब। ये चैप्टर एक नज़्म है, यानी कि कविता है। शिकस्त का मतलब होता है हार, जैसे कि आप लोग कई लोगों को ये बोलते हुए सुने होंगे कि मैंने तुम्हें शिकस्त दे दी, यानी कि मैंने तुम्हें हरा दिया। ठीक, तो शिकस्त का मतलब होता है हार, और जिंदा का मतलब होता है कैद खाना यानी कि जेल, और ख्वाब का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे सपना, यानी कि एक ऐसा सपना जिसमें कैद खाने की जेल की हार हो रही हो, यानी कि कैद खाने में जितने भी कैदी हैं वो कैदी कैद खाने को तोड़ कर और बाहर निकल रहे हो, एक वैसा सपना। ठीक है, तो देखिए ये कविता जो है ना तब लिखी गई थी जब हम लोगों को आज़ादी मिलने वाली थी, मतलब हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने वाली थी। जोश मली आबादी अपनी आँखों से भारत के लोगों के अंदर, हिंदुस्तान के जनता के अंदर, हिंदुस्तान के जितने भी हिंदुस्तानी थे उनके अंदर वो जोश, वो उत्साह, वो जुनून देखे थे अपने भारत देश के प्रति, भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए उनके अंदर एक अजीब सी उत्साह, एक अजीब सा जुनून था। ठीक, तो वही, और जितने भी मतलब अंग्रेज़ जो थे भारत के लोगों को कैदखाने में कैदी बना कर रखे हुए थे, तो उसी के बारे में बात किए हैं जोश मली आबादी इस कविता में, कि जितने भी भारत के लोगों को अंग्रेज़ों ने कैदी बनाकर कैदखाने में रखा है, जेल में रखा है, वो अब कैदी जो है ना रिहा हो रहे हैं, यानी कि अब वो जो कैदी है कैदखाने को तोड़कर बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर इतना जोश आ गया है अपने भारत देश के प्रति। ठीक है, तो ये जब भारत को आज़ादी मिलने वाली थी तब ये कविता यानी कि ये नज़्म लिखा गया था, जोश मली आबादी ने लिखा था। याद रखिएगा इस चैप्टर के, इस नज़्म के राइटर कौन हो गए मुसन्निफ़, तो वो है जोश मली आबादी। तो सबसे पहले हम लोग जोश मली आबादी के बारे में जानेंगे, फिर मैं आप लोगों को इस कविता का हर एक लाइन पढ़कर उसका मतलब समझाऊँगी। ठीक, बहुत ही जोश और उत्साह भर देने वाली जो है ना ये कविता है, मैं आप लोगों को बताऊँगी। सबसे पहले इनके बारे में समझते हैं, मुसन्निफ़ के बारे में। ठीक, तो देखिए जोश मली आबादी का असल नाम, रियल नेम शब्बीर हसन खान था, याद रखिएगा। ये भले ही जोश मली आबादी के नाम से फेमस हो गए, क्यों हुए, देखिए इनका जो तखल्लुस था वो था जोश, यानी कि अपने शेर व शायरी के लास्ट लाइन में जो नाम यूज़ करते थे वो जोश यूज़ करते थे, और उसके बाद से ये मली आबाद में पैदा हुए थे, तो जोश प्लस मली आबाद। ठीक, तो जोश मली आबादी के नाम से ये मशहूर हो गए, भले ही इनका असल नाम क्या था, रियल नेम शब्बीर हसन खान, लेकिन ये मशहूर किस नाम से हुए, जोश मली आबादी, याद रखिएगा। ठीक, तो तखल्लुस इनका जोश था, ये तो मैं आप लोगों को बता दी। पैदाइश की बात कर लें तो जोश मली आबादी की पैदाइश हुई थी 1896 ईस्वी में लखनऊ के मली आबाद के एक कस्बा है जिसका नाम है कवलहार, कवलहार में इनकी पैदाइश हुई थी, मली आबाद के कवलहार में 1896 को। ठीक, जोश मली आबादी के वालिद यानी कि इनके पिताजी का नाम था बशीर अहमद खां, दादाजी का नाम था मोहम्मद अहमद खां, पर दादा का नाम था फ़कीर मोहम्मद खां, ये सभी लोग क्या थे, एक शायर थे। ठीक, शेर व शायरी किए थे, और जोश मली आबादी का जो ये इनके दादा परदादा इनके पिताजी सभी लोग शायर थे, यानी कि इनका घर जो है घरेलू माहौल वो बहुत ज़्यादा अदबी था। ठीक, पढ़े लिखे सभी लोग थे, और इसीलिए जोश मली आबादी जो है ना इनकी शुरुआती शिक्षा जो है घर पर ही मिली, उर्दू फारसी और अरबी की तालीम जो है वो घर पर ही हासिल किए, घर पर ही किताबें पढ़ते थे, सभी लोग जो है ना शिक्षित थे इनके घर के लोग, तो ये घर पर ही तालीम हासिल किए थे। लेकिन फिर ये आगे की पढ़ाई करने के लिए स्कूल भी गए थे, कॉलेज भी गए थे। ठीक, और 1914 में मोहम्मद मुकीम खां की बेटी अशरफ जहां बेगम से शादी हो गई। जोश मली आबादी की शादी कब हुई, तो 1914 ईस्वी में मोहम्मद मुकीम खां की बेटी थी जिनका नाम है अशरफ जहां बेगम, अशरफ जहां बेगम से शादी हो गई जोश मली आबादी की। ठीक, 1914 में, याद रखिएगा। और नज़्म व शेर में 2 दर्जन किताबें इनके शाये हुए, नज़्म भी ये लिखे थे, याद रखिएगा, कविता भी लिखे थे, और शेर नहीं है, नसर है, सॉरी, नसर, यानी कि नसर किसे कहते हैं, मैं आप लोगों को बताई हूँ ना, नसर जिसमें कहानी निबंध और दास्तान वगैरह आता है। ठीक, तो ये कविता भी लिखे हैं, कहानी निबंध वगैरह भी लिखे हैं, तो नज़्म और नसर में 2 दर्जन किताबें इनका शाये हुए, मतलब 2 दर्जन किताबें शाये यानी कि प्रकाशित हो चुकी हैं। ठीक, जिनमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, रूह अदब, नक्शो नगार, 16 शबनम, जुनून व हिकमत, हरफ व हकायत, आयात व नगमात, यादों की बारात वगैरह, ये जितने भी है ना ये जोश मली आबादी की लिखी हुई किताब है जो कि इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, इनके तो दो दर्जन किताबें हैं, लेकिन उन 2 दर्जन में से जो इम्पोर्टेंट बुक है वो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। ठीक, और उसके बाद से आज़ादी के बाद जो है ना जोश मली आबादी पाकिस्तान चले गए,
और लास्ट में इनका इंतकाल की बात कर लें तो जोश मली आबादी का इंतकाल हो गया था 22 फरवरी 1982 को। ठीक, तो ये हो गया जोश मली आबादी के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक, अब चलिए मैं आप लोगों को इस नज़्म, ये कविता जो कि जोश भर देने वाली है, तब ये लिखी गई थी, मैं आप लोगों को बता ही दी हूँ, जब हमारे देश को आज़ादी मिलने वाली थी उस वक्त लोगों के अंदर वो जोश और उत्साह था। ठीक, जितने भी कैद खाने में कैदी थे, यानी कि हमारे भारत देश के जितने भी लोगों को अंग्रेज़ों ने कैदी बना कर रखा था कैद खाने में, अब वो सभी लोग बाहर निकल रहे थे एकदम नए जुनून के साथ भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए। ठीक, तो चलिए मैं आप लोगों को इस कविता के प्रत्येक लाइन को पढ़कर उसका मतलब समझाती हूँ। ठीक, तो देखिए, लिखे हैं शुरुआत में जोश मली आबादी, क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही है तकबीरें, उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें, दीवारों के नीचे आ आकर क्यों जमा हुए हैं जिंदानी, सीनों में तला तुम बिजली का, आंखों में झलकती शमशीरें। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं जोश मली आबादी कि हिंदुस्तान, हिंद का जो जिंदा है यानी कि हिंदुस्तान का जो कैदखाना है, अब वो कांप रहा है, गूंज रही है तकबीरें, यानी कि नारा जो है सभी हिंदुस्तानियों के कानों में गूंज रहा है नारा हमारे देश को आज़ादी दिलाने का, उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। अब जो है जितने भी कैदखाने में कैदी हैं वो उकता गए हैं, उग गए हैं, अब वो अपनी जंजीरों को तोड़ रहे हैं, अपनी बेड़ियों को तोड़ रहे हैं, दीवारों के नीचे आ आकर जमा हुए हैं जिंदारी, और दीवारों के नीचे जितने भी कैदखाने, जितने भी कैदी हैं, जिंदानी बोलते हैं कैदी को, ठीक, तो जितने भी कैदी हैं वो दीवारों के नीचे आकर जमा हो गए हैं, अब वो जेल यानी कि कैदखाने के दरवाजों को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, सीनों में तुम बिजली है, उनके सीनों में बिजली है और आंखों में शमशीरें झलक रही हैं, यानी कि तलवार झलक रही हैं। ठीक, भूखों की नज़र में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, तकदीर के लब को जुम्बिस है, दम तोड़ रही है तदबीरें, यानी कि बोल रहे हैं भूखों की नज़र में बिजली है, जो भूखे हैं, जो गरीब लाचार लोग हैं, अब वो भी नहीं डर रहे हैं, उनकी भी नज़र में क्या है, बिजली है, अब वो भी किसी अंग्रेज़ से नहीं डर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं हम जितना ही डरेंगे उतना ही ये अंग्रेज़ डराएंगे, इसीलिए अब वो भी नहीं डर रहे हैं और एकदम सीना तान के तोप के सामने भी खड़े हो जा रहे हैं, और शायद यही वजह है कि अब अंग्रेज़ जो है अब पीछे हट रहा है। ठीक, अंग्रेज़ अब पीछे हट रहे हैं, अब अंग्रेज़ों के अंदर जो है डर पैदा हो रही है। ठीक, और इसीलिए जब बिना डरे हिंदुस्तानी जितने भी लोग हैं, मतलब हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, बिना डरे तोप के सामने खड़े हो जा रहे हैं, तो शायद यही वजह है कि तोप भी क्या हो जा रहा है, ठंडा हो जा रहा है। तकदीर के लब को जुम्बिश है, यानी कि तकदीर का जो लब है, होंठ, अब वो भी लड़खड़ा रही है, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि अब भारत देश को आज़ादी मिलने वाली है, आंखों में गदा की सुर्खी है, बेनूर है चेहरा सुल्तान का, तखरीब ने परचम खोला है, सजदे में पड़ी है तामीरे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हिंदुस्तानियों के अंदर वो हौसला, वो हिम्मत, वो जज्बा, वो जुनून देखकर अंग्रेज़ों का जो बादशाह है, अंग्रेज़ों का बोल सकते हैं सुल्तान, बादशाह, भारत देश पर अंग्रेज़ों का ही हुकूमत था ना, अंग्रेज़ राज कर रहे थे, तो जो अंग्रेज़ों का सुल्तान था, बादशाह, उसकी आंखों में अब फकीरी झलक रही है, उसकी आंखों में अब घबराहट दिख रही है, अब वो घबरा रहा है, सोच रहा है कि भारत देश के लोगों के अंदर इतना उत्साह, इतना जुनून अपने भारत देश के प्रति कैसे पैदा हो गया, अब अंग्रेज़ों का जो सुल्तान है, बादशाह, उसका चेहरा जो है वो बेनूर हो चुका है, उसके चेहरे पर से नूर चली गई है, अब वो घबरा गया है, क्या उनको खबर थी, ज़ेर व ज़बर रखते थे जो रूह मिल्लत को, उबलेंगे ज़मीं से मारेसिया, बरसेंगी फलक से शमशीरें। यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या उन अंग्रेज़ों को खबर थी जो हिंदुस्तानियों को ज़ेर व ज़बर करके रख दिए थे, इधर उधर उलट पलट छितर बितर करके रख दिए थे, जात पात को लेकर लड़वाए थे, क्या उन अंग्रेज़ों को खबर थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि यही हिंदुस्तान के लोग ज़मीन से काला सांप बनकर बाहर निकलेंगे और आसमान से फलक से शमशीर यानी कि तलवार बनकर बरसेंगे और एक दिन जहर उगलेंगे, क्या उन अंग्रेज़ों को खबर थी, क्या उनको खबर थी सीनों से जो खून चुराया करते थे, एक रोज़ उसी बेरंगी से झलकेंगी हज़ारों तस्वीरें, क्या उन अंग्रेज़ों को खबर थी जो कि हिंदुस्तानियों का खून चूसा करते थे, आज वही हिंदुस्तान के लोग उनके खून के प्यासे हैं, उनको मतलब उनका कत्ल करने के लिए तैयार हैं, क्या उन अंग्रेज़ों को खबर थी, क्या उनको खबर थी होंठों पर जो कुफल चढ़ाया करते थे, एक रोज़ उसी खामोशी से टपकेंगी दहकती तकरीरें, क्या उन अंग्रेज़ों को खबर थी जो हिंदुस्तानियों के होंठों पर, मुंह पर ताला लगा दिया करते थे, अपने सामने हिंदुस्तानियों को खड़ा भी नहीं होने दिया करते थे, बोलने भी नहीं दिया करते थे, आज वही हिंदुस्तान के लोग अपने उसी ज़ुबान से, अपने उसी होंठ से,
गरम गरम तकरीरें उगल रहे हैं। आज वही खामोशी जो है ना गरम गरम तकरीरें बनकर बाहर निकल रही है। संभलों की वह जिंदा गूंज उठा, झपटों की वह कैदी छूट गया, उठो की वह बैठी दीवारें, दौड़ों की वह टूटी जंजीरें। यहाँ पर बोला जा रहा है कि संभलों की वह जिंदा गूंज उठा है, अब संभल जाओ, वो जो कैदखाना है वो गूंज उठा है, झपटों की वह कैदी छूट गया, अब झपटो दौड़ो भागो। वह कैदी जो है ना जिस हिंदुस्तान के लोगों को तुम कैदखाने में कैदी बनाकर रखे थे, अब वो कैदी छूट गए हैं, उठो कि वह बैठी दीवारें, अब तुम उठ जाओ क्योंकि कैदखाने की जो दीवारें हैं वो बैठ चुकी हैं, गिर चुकी हैं, दौड़ो भागो कि वह टूटी जंजीरें। वो जो कैदी के पैर में तुम जंजीर बांध कर रखे थे ना, अब वो जंजीर टूट चुकी हैं, अब तुम दौड़ो और भागो। ठीक, तो ये था आप लोगों का पूरा कविता, पूरा उत्साह भर देने वाला, जोश और जुनून भर देने वाला ये कविता था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को जो कुछ भी समझाई ये कविता का तशरीह की, तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि ये कविता आप लोग को कैसा लगा और चैप्टर समझ में आया कि नहीं। और उसके बाद से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दें, और उसके बाद से चारों तरफ शेयर कर दें, अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है। उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।